नमस्कार, मैं हूँ यास्मी। सुशांत सिंह केस में ड्रग से जुड़ी रिया की व्हाट्सएप चैट के सामने आने के बाद मामले में एक नया मोड़ आ गया है। इस केस में ईडी और सीबीआई पहले ही जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन ड्रग्स एंगल आने से एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स की टीम भी हरकत में आ गई है, जो रिया से इस एंगल को लेकर पूछताछ करेगी। वहीं दूसरी ओर सीबीआई को लेकर भी हर दिन खबर आ रही थी कि टीम की ओर से रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए समन भेजा जाएगा। सीबीआई द्वारा रिया से पूछताछ होती कि इससे पहले सवाल जवाब करने के लिए रिया के घर जहां पहुंचे एक लीडिंग चैनल के वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई। जी हां, उन्होंने रिया के घर जाकर उनका इंटरव्यू ले लिया और उनसे सुशांत के यूरोप दौरे पर बातचीत की, जिसमें रिया बताती हैं कि सुशांत को फ्लाइट में बैठने से डर लगता था, जिसके लिए वो मोडीफिनल नाम की दवाई लेता था। रिया के मुताबिक पेरिस ट्रिप में सुशांत 3 दिन तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। फिर इटली ट्रिप के दौरान जिस कमरे में ये दोनों रुके वहां का स्ट्रक्चर अजीब था, जिस कारण सुशांत डरने लगे और उसके बाद ही सुशांत की हालत बिगड़ी। बताते चलें कि आज तक चैनल ने रिया से हर मुद्दे पर बातचीत की, जिसे विस्तार से आज शाम 7 बजे दिखाया जाएगा। लेकिन चूंकि सीबीआई से पहले आज तक ने रिया से पूछताछ कर ली, इसलिए लोगों ने ट्विटर पर शेम ऑन आज तक से ट्रेंड चलाते हुए गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। लोगों का मानना है कि वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने 3 से 4 सवाल पूछते हुए रिया के लिए समर्थन दिखाया। यही नहीं, सुशांत के पारिवारिक वकील विकास सिंह ने भी चैनल द्वारा रिया को मंच प्रदान करने पर आपत्ति जताई है और अपना बयान जारी किया है। जाते जाते सुनाते हैं आपको विकास सिंह का वो बयान। वेल, एज फार एज आई एम कंसर्न, आई डोंट यू नो सॉर्ट ऑफ वी हैव नॉट टेकन अ कॉल फ्रॉम द फैमिली साइड दैट शी शुड बी रिस्ट्रेंड फ्रॉम डूइंग दिस काइंड ऑफ अ थिंग, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ फ्री कंट्री। बट आई हैव सीन अ बिट ऑफ दैट इंटरव्यू, आई वॉज समबडी टोल्ड मी, सो आई हैड अ चांस टू लुक एट इट। She is actually tying herself in knots, because she is in that interview saying that he had developed some very serious mental issues in the Europe trip. Now, if he had developed that kind of a problem, then the obligation upon her to inform the family becomes even more serious, and the family has to be associated whenever there is a mental health issue with any person. And when she talks of, you know, he used to live life king size, then you have to also responsibly behave like a queen, and you just don't leave somebody who has mental health issues and, you know, dump him suddenly if such serious problems were there.